हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ बोगनविलिया प्लांट की कटिंग। तो इस समय पे आप जो कटिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं किसी के घर गई थी तो वहाँ पे मुझे ढेर सारे बोगनविलिया के प्लांट दिखे, तो मैं वहाँ से कटिंग लेकर आई हूँ। तो पत्तियाँ तो मैंने इसकी हटा दी हैं दोस्तों, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि बोगनविलिया जो प्लांट होता है उसकी जो कटिंग होती है वो काफ़ी देर से ग्रो होती है, यानी कि उसको ग्रो होने में करीब 1 मंथ लग जाता है, 30 से 35 दिन लग जाते हैं। तो जब भी आप इनकी कटिंग करें तो कोशिश करें कि मानसून के महीने में ही आप इनकी कटिंग लगाएं, या फिर फरवरी मार्च में इनकी कटिंग लगाएं। तो ये सही समय होता है जून जुलाई का। तो इस समय आप अगर कटिंग लगाते हैं तो 100% जो आपकी कटिंग है वो ग्रो होती है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने ये पेंसिल की मोटाई के बराबर 6 से 7 इंच तक की कटिंग ली हुई है, और इनको तिरछा कट काटा हुआ है दोस्तों। और आप देख सकते हैं नीचे के करीब मैंने इनका ब्राउन कलर का जो ऊपर से परत है की करीब हटाई हुई है 1 से आधा इंच तक की, इस तरह से। तो ये मैंने देखिए सारी कटिंग तैयार कर ली है दोस्तों। अब इनको लगाने का सही जो तरीका होता है, चलिए वो बताती हूँ। कटिंग लगाने के लिए दोस्तों मैंने मिट्टी, गार्डन सोयल और कोकोपीट का प्रयोग कर रही हूँ, जो कि मैंने 50-50% लिया हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई खाद मिक्स नहीं की है। तो बोगनविलिया की जब भी कटिंग लगाएं तो इस तरह से कोकोपीट का जरूर प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि कोकोपीट जो है वो पानी को होल्ड करके रखती है, मिट्टी में नमी बना के रखती है, मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है, तो जो रूट्स हैं वो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। तो इस तरह से मैंने 4 इंच के गमले लिए हैं, तो इनके ड्रेनेज होल को मैं कवर कर लेती हूँ। तो ये नारियल के कुछ छिलके पड़े थे तो इससे मैं इनके ड्रेनेज होल कवर कर रही हूँ दोस्तों। आप चाहें तो टिकरी से भी कर सकते हैं। जब भी आप कटिंग लगाएं तो बहुत ज़्यादा बड़े गमले में ना लगाएं, छोटे ही गमलों में इनकी कटिंग लगाएं दोस्तों। तो इस तरह से इनको कवर करने के बाद चलिए अब इनमें भर देते हैं मिट्टी। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग लगाने के लिए गमले तैयार कर लिए हैं दोस्तों। और जब भी कटिंग आप लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको बिल्कुल छाया वाली जगह पे ना रखें, ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे उसको मॉर्निंग की आध घंटे की धूप जरूर मिलती रहे। आप चाहें तो किसी भी बड़े गमले के नीचे इन कटिंग को रख दें दोस्तों, और इससे क्या होगा कि हल्की फुल्की धूप भी मिलेगी, साथ में प्लांट में ठंडक भी रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इस तरह से कटिंग को फंगीसाइड में इस तरह से डिप कर लेना है आपको, यानी कि नीचे की तरफ फंगीसाइड लगा देना है। आप फंगीसाइड ना हो दोस्तों तो हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने फंगीसाइड का प्रयोग किया है। तो इस तरह से किसी लकड़ी की सहायता से होल करें और करीब 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी में इस तरह से दबा दें कटिंग को। आप देख सकते हैं इस तरह से एक गमले में करीब 3 से 4 कटिंग लगाएं, एक कटिंग ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि सारी कटिंग वो है वो जर्मिनेट नहीं होती हैं। तो इस तरह से करीब अगर आप 5 से 6 कटिंग लगाते हैं तो 3 से 4 आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इनको कवर कर दिया है एक पन्नी की सहायता से, और इस तरह से इनको बांध दिया है। अब मैं इनको किसी गमले के नीचे उठाकर रख दूंगी दोस्तों। 40 से 45 दिन लग जाते हैं दोस्तों बोगनविलिया प्लांट की कटिंग ग्रो होने में, और इसमें छोटी छोटी सी लीफ निकलना जब शुरू हो जाए तो आप पॉलीथीन हटाकर इसको सनलाइट में रख दें प्लांट को, और इसके बाद आप सेपरेट कर सकते हैं जब थोड़े से प्लांट बड़े हो जाएं। चलिए आपको दिखाते हैं, कटिंग से मैंने सारे प्लांट ग्रो किए हुए हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये देखिए, ये करीब मैंने मार्च में लगाया था, 2.5 महीने करीब हो चुका है, और इसमें देखिए कितनी अच्छी लीफ निकल कर आई हैं। तो इस तरह से कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाती है पेंसिल की मोटाई के बराबर तो आप उसको ज़रूर लगाएं। एक नहीं करीब 5 से 6 कटिंग लगाएंगे तो उसमें से 2 से 3 कटिंग आराम से ग्रो हो जाती हैं दोस्तों। तो इस समय मानसून के मौसम में आप इनकी कटिंग लगाकर इनसे ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं।